हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। सो आज अगर आप देखो, गैप अप ओपनिंग हुआ है और गैप अप होने के बाद कोई भी करेक्शन हमें देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट ऊपर ही सस्टेन किया और ऊपर ही क्लोज हुआ है। इसका मतलब क्लियर है कि अभी भी ट्रेंड जो है वो ऊपर ही है और रैली हमें और देखने को मिल सकती है, क्योंकि मार्केट अभी भी ऊपर के लेवल पर सस्टेन कर रहा है और ऊपर के लेवल पर ही क्लोज कर रहा है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में टारगेट्स बताए थे 12,200, 12,300। सो अभी भी वही टारगेट होंगे निफ्टी के, 12,200, 12,300 तक के टारगेट के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। इंट्राडे में कोई भी डिप मिलता है काफ़ी अच्छा बाय रहेगा। 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आपको बाइंग करना है 12,300 के टारगेट के लिए। बैंक निफ्टी में जो गैप रेजिस्टेंस है उसी के आसपास क्लोज हुआ है, 26,300 के आसपास। अब यहाँ से अगर सस्टेन करता है तो 27,000 तक के टारगेट पॉसिबल है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ से 600-700 पॉइंट की रैली हमें और देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। सो बैंक निफ्टी भी इंट्राडे में अगर कोई भी डिप मिलता है काफ़ी अच्छा बाय रहेगा 27,000 तक के टारगेट के लिए। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक। सबसे पहला स्टॉक होगा सिप्ला बाय। सिप्ला मुझे काफ़ी अच्छा बाइंग लग रहा है, क्योंकि सिप्ला में अगर आप देखो यहाँ से क्लीन एंड क्लियर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है और काफ़ी अच्छे सेटअप के साथ ब्रेकआउट हुआ है, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ। मुझे लगता है यहाँ से 820-830 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सिप्ला काफ़ी अच्छा बाय रहेगा। एक्जैक्टली कौन से लेवल पे बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। नेक्स्ट स्टॉक होगा यूबीएल। यूबीएल भी काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर लग रहा है बाइंग के लिए। यूबीएल ने यहाँ पर डबल बॉटम जैसा पैटर्न बनाया है, आप देख सकते हो। उसके बाद हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। यूबीएल मुझे लगता है यहाँ से 960 तक जा सकता है। यहाँ से लास्ट टाइम बड़ा फॉल आया था और मुझे लगता है ये लेवल वापस रिटेस्ट कर सकता है 960-970। तो यूबीएल काफ़ी अच्छा बाय रहेगा 970 तक के टारगेट के लिए। एक्जैक्टली कौन से लेवल पे बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। एंड लास्ट स्टॉक होगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है बाइंग के लिए, क्योंकि अगर आप देखो एक्सिस बैंक ने भी आज फ्रेश ब्रेकआउट दिया, ये रेजिस्टेंस क्रॉस कर लिया एक्सिस बैंक ने और उसी के ऊपर क्लोज हुआ है एक्सिस बैंक। यहाँ से और हमें रैली देखने को मिल सकती है, 570-580 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं एक्सिस बैंक में। तो एक्सिस बैंक काफ़ी अच्छा बाय रहेगा। एक्जैक्टली कौन से लेवल पर बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आप वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।